बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। दुनिया भर से देखने सुनने वाले तमाम नाज़रीन व सामईन ख़वातीन व हज़रात, आपकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं हूं मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल। और नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान मुबारक का आज दूसरा रोज़ा है और आपके बहुत सारे सवालात आज भी हमारे पास मौजूद हैं। मुफ्तीन किराम भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आपके उन सवालात का इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनसे जवाब लेंगे। बहुत सारे और सवालात भी आप हमें भेज सकते हैं, जो आपके जहन में शरी हवाले से कोई तिशनगी हो उसको आप दूर कर सकते हैं। तो तरीकाकार बड़ा सिंपल है, फेसबुक पर इसी ट्रांसमिशन जिसको आप इस वक्त सुन रहे हैं, इसी ट्रांसमिशन के कमेंट्स बार में अपना सवाल अपने नाम अपने इलाके के नाम के साथ लिखकर हमें भेज देंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। सबसे पहले कल की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा अवान साहब मौजूद हैं, तो उनसे रमज़ान कलाम आज वो हमें सुनाएंगे। तो रमज़ान के हवाले से एक खूबसूरत कलाम उनसे सुनेंगे और उसके बाद हम सवाल जवाब के सिलसिले का बाकायदा आगाज़ करेंगे, तो आप साथ रहिए। रमज़ान का महीना, जो ख़ता हुई है तुमसे इसे बख्शवाओ लोगो, यही तुमसे चाहता है रमज़ान का महीना, यही तुमसे चाहता है रमज़ान का महीना। बरकत लेकर आया रमज़ान का महीना, के अताए किबरिया है रमज़ान का महीना, के अताए किबरिया है रमज़ान का महीना। बस हो गया कलाम हाफिज़ साहब, बड़ा मुख्तसर पढ़ा आपने, खैर जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये कलाम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द रिलीज़ होगा, तो आप मुकम्मल कलाम भी सुन सकेंगे। तो मैं तारुफ़ करवाऊँगा अपने मुआज़्ज़ज़ मेहमानों का। हमारे साथ सबसे पहले हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती मोहम्मद उवैस साहब दामत बरकातहुम, जामत रशीद कराची के माहिर मुफ्तीन कराम हैं दोनों हज़रात, और हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब जामत रशीद कराची के उस्तादुल हदीस भी हैं, और जिस तरह आप जानते हैं कि बैंक इस्लामी पाकिस्तान के शरिया बोर्ड के मेंबर भी हैं, तो बड़ी गहरी और माहिराना राय रखते हैं इस बाब में भी ख़ास तौर पर, और फ़िक़ी हवाले से भी आपकी बसीरत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुसल्लम है। मैं आगाज़ उन्हीं से करूँगा। डॉक्टर यूसुफ़ साहब लाहौर से सवाल कर रहे हैं मुसब आपसे कि हम कोरोना वायरस से मुतासर मरीज़ों के वार्ड में ड्यूटी देते हैं, वार्ड में किट ग्लव्स और मास्क पहना जाता है, मुल्क में किट की कमी का सामना है, जब हम किट्स पहनते हैं तो इसको उतारने के बाद वो नकारा हो जाती है, इस दौरान वुजू का क्या हुक्म है, वार्ड में किट निकालना मुमकिन नहीं जबकि ड्यूटी 24 घंटे होती है, क्या किट के ऊपर तयम्मुम किया जाए या फिर कोई और हुक्म है इस ख़ास मुश्किल मसले में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो जब इस सूरत में वजू से माजूरी है, वजू नहीं किया जा सकता जी, तो वजू के आगे फिर दो मुतबादल है, एक तयम्मुम है और एक मस्ह करना है जी। मेरा ख्याल ये है कि इस सूरत में तयम्मुम की सूरत भी नहीं बनेगी, इसलिए कि तयम्मुम के लिए भी ज़रूरी है कि कोई हायल और रुकावट बीच में ना हो, जिन अज़ाब पर आप तयम्मुम कर रहे हैं चेहरा पर और दोनों हाथों पर, तो उनके ऊपर कोई हायल ना हो, कोई रुकावट ना हो, कोई कपड़ा ना हो। अगर कोई रुकावट और हायल है तो इसका मतलब यह है कि तयम्मुम की सूरत भी जो ज़ाब्ते के लिहाज से एक मुतबादल है वो भी नहीं बन रही। तो इस सूरत में जो तीसरा मुतबादल है मस्क की सूरत, वही बज़ाहिर बन रही है जी, क्योंकि मस्क करना ऐसी जगहों में ही होता है जहाँ एक जगह पर आप पानी नहीं पेर सकते, उसको धो नहीं सकते किसी औज़र की वजह से, तो फिर उसका मुतबादल ये है कि उस जगह पर गीला हाथ जो है ना वो पेर लिया जाए। तो बज़ाहिर इस सूरत में जो हुक्म मालूम होता है वो ये है कि मस्क का तरीक़ा इख्तियार किया जाए कि हाथों को गीला करके पहले पूरे चेहरे के एरिया पर ऊपर से मल दे जी, और फिर उसके बाद गीला करके दोनों हाथों पर, पैरों पर और सर पर, जैसे कि जो अज़ा वज़ू में धोने हैं तो उस पूरी जगह पर मस्क किया जाए ठीक है। अलबत्त इसमें एक और बात भी है कि ये औज़र चूँकि एक इंसानी ज़ाब्ते के तहत है, एक मजबूरी की वजह से है, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आदमी एक चीज़ पर कादिर ही नहीं है, बल्कि कुछ एस ओ पीज़ है, प्रोटोकॉल है, उसी का तकाजा है जिसकी वजह से आदमी ये नहीं कर पाता। तो ये फ़िक़ी हवाले से उस औज़र में शामिल है जिसको औज़र मिन जिहतिल इबाद कहा जाता है,
कि इंसान एक चीज़ पर कादिर नहीं है, इसलिए कि दूसरा इंसान उसको मजबूर कर रहा है और उसको पाबंद कर रहा है। तो ऐसी सूरत में हुक्म यही होता है कि उस वक़्त तो नमाज़ पढ़ी जाए लेकिन बाद में उसका इआदा भी किया जाए। तो इस सूरत में इआदा भी ज़रूरी होगा इन नमाज़ों का। ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला सवाल है और वो हमसे पूछा है मोहम्मद साहब ने ऑस्ट्रेलिया से। एक हदीस में सुना है कि अगर जमात हो रही हो तो उसमें शामिल हो जाओ और बकिया नमाज जमात के बाद मुकम्मल करो, तो फिर फजर की सुन्नतें जमात के वक्त में अदा क्यों की जाती हैं? जी ये हदीस मौजूद है जिसके अल्फाज ये है कि इज़ा उकीमत इस्सलात फला सलात इल्ला मक्तूबा, जिसमें ये है कि जब फ़र्ज़ नमाज के लिए इकामत हो और लोग खड़े हो तो उस वक़्त दूसरी कोई नमाज नफल और सुन्नत वाली नमाज न पढ़ी जाए। अलबत्त एक हदीस है, इस हदीस में फजर की सुन्नतें भी दाखिल है या नहीं है, ये एक सवाल यह उठता है। और सवाल की वजह यह है कि फजर की सुन्नतों की अलग से बहुत ताकीद और अहमियत अहादीस में बयान हुई है जो दूसरी सुन्नतों की बयान नहीं हुई है। इससे पता चलता है कि फजर की सुन्नतों की एक मज़ीद अहमियत है जो दूसरी सुन्नतों की नहीं है। अब इस सवाल का जवाब हम कैसे ढूंढ लें, तो हदीस की तशरीह जो है वो सहाबा किराम का अमल हुआ करता है। जब एक से ज़्यादा सहाबा ने अक्सर ने किसी चीज़ पर अमल किया है और किसी हदीस की रोशनी में जो मफहूम उन्होंने समझा है तो उसी को हदीस की तशरीह करार दिया जाएगा। तो यहाँ जब हम सहाबा के तर्ज अमल को देखते हैं तो जो बड़े बड़े फुकहा सहाबा है जिनको सहाबियत में भी बड़ा मकाम हासिल था और साथ साथ फ़िक्र और बसीरत और दीन की जो समझ बूझ है गहराई वो भी उनको अल्लाह ताला ने वाफिर मकदार में दी थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर है और भी सहाबा कराम हैं। तो इन हजरात से यह बात मनकूल है कि वो फजर की ऐसी सूरत हाल में अगर उनको ताखीर हो जाती तो फजर की सुन्नतें मस्जिद में ही पढ़ लेते जबकि वहाँ जमात कड़ी होती थी। तो ये इस बात की दलील है कि इस हदीस से ये फजर की सुन्नतें मुस्तस्ना है और सहाबा का अमल हमारे लिए बजात खुद भी एक हुज्जत है। तो इस वजह से ये फजर की सुन्नतों का मामला थोड़ा सा अलग है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िम मोहतरम। आपके सवालात हमारे पास मौजूद हैं और उन सवालात को हम तरतीबवार इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुफ्ती कराम की खिदमत में रखेंगे, उनसे जवाब हासिल करने की कोशिश करें। रमज़ान मुबारक के मुकद्दस महीना है, मौका होता है हमारे पास बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ समझने का। तो आपसे मेरी दरख्वास्त होगी कि ख़ास तौर पर इन दिनों में आपके जहन में जो भी सवालात हैं शरी हवाले से, तो बराहे करम आप उन सवालात को इस प्रोग्राम में भी हमें भेजिए ताकि आपको उन सवालात का मुस्तनद जवाब मिल सके और आप शरीयत की रोशनी में, शरीयत के अहकाम की रोशनी में अपनी इबादत, अपनी जो भी रोज़मर्रा के आपके मामूलात हैं ख़ास तौर पर इस मुबारक महीने में, उनको सही तरीके से सर अंजाम दे सकें और हम सब मिलकर ज़ाहिर कुछ ना कुछ सीखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा सुरखुरी भी हासिल होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला की बारगाह में मुफ्ती मोहम्मद उवैस साहब की खिदमत में आगे जाऊँगा। अगला सवाल हमसे पूछा है अफजान शेख साहब ने इंडिया से, मुझसे पूछते हैं कि क्या तहियतुल वुज़ू पढ़ने से वज़ू में जो जायद पानी गिरता है वो माफ़ हो जाता है? सब कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, वज़ू करते हुए और गुसल करते हुए पानी एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। एक बार हज़रत सादर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वज़ू फरमा रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ तो आपने उनको देख कर फरमाया कि ये क्या इसराफ़ है। तो हज़रत सादर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ताज्जुब से पूछा कि क्या पानी के अंदर भी इसराफ़ हो सकता है? जी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जी हाँ, पानी में भी इसराफ़ हो सकता है अगरचे वो एक ऐसी नहर के ऊपर वज़ू या उसको इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो नहर जारी है। तो पानी को बड़े एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर बेएहतियाती में कभी पानी में इसराफ़ से काम ले लिया और उसके बाद अगर कोई दो रकात तहियतुल वज़ू पढ़ता है और सिदके दिल के साथ, तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से उम्मीद है कि उसकी बरकत से ये गुनाह माफ़ हो जाएगा। क्योंकि हदीस शरीफ में आता है, हज़रत आमर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं जिसका मफहूम यह है कि कोई शख्स अच्छी तरीके से वज़ू करे तो उसकी बरकत से अल्लाह ताला गुनाह माफ़ फरमाते हैं, और फिर उसके बाद अगर कोई दो रकात पढ़े सिदके दिल से तो दो रकात पढ़ने के बाद वो ऐसा हो जाता है, गुनाहों से ऐसे निकल जाता है जैसा कि उसको उसकी माँ ने जाना हो। जी, तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से उम्मीद रखी जा सकती है कि अगर कोई गुनाह ऐसा हुआ है और दोबारा ना करने का इरादा है तो उसकी बरकत से उसका वो गुनाह माफ़ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से हाफिज़ आसिम साहब का सवाल है, आजकल नमाज घर में हो रही है तो बसा औकात नमाजी के आगे
कुछ रखने की नौबत आ जाती है। हम तकिया वगैरह लगा लेते हैं, क्या ये सही है या कोई लकड़ी ही रखनी चाहिए बतौर सुतरा? नहीं, लकड़ी रखना तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई लकड़ी वगैरह मौजूद नहीं है, सुतरे के तौर पर कोई तकिया या कोई सरे कोई चीज़ रखी जाए तो उसको सुतरा बनाया जा सकता है। अलबत्त बेहतर ये है कि जब तकिए को रखा जाए तो तूलन रखा जाए, अर्जन ना रखा जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीक़ा है। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल हमसे पूछा बिनते अब्दुल्ला साहिब ने इंडिया से, हाफिज़ा लड़की का सिर्फ औरतों में नमाज तरावी पढ़ाने का क्या हुक्म है? जिन ख़वातीन ने हाफिज़ा के साथ तरावी बाजमात अदा की है, क्या उनकी नमाज अदा हुई या फिर नहीं? देखें, हनफिया का असल मज़हब तो यही है कि औरत के लिए औरतों की इमामत कराना ये मकरूह है। ठीक है। अलबत्त बाद महक्कीन ने अगर कोई औरत औरतों की इमामत कराती है तो इसको खिलाफ अफजल करार दिया है। तो लिहाजा अगर कोई हाफिज़ा खातून है और वो हिफ्ज़ की पुख्तगी के इरादे से औरतों की इमामत कराती है तो इसकी गुंजाइश है। अलबत्त इस सूरत में ख्याल रखना चाहिए कि महल्ले की जो ख्वातीन हैं बाकायदा उनको दावत देकर बुलाना और इज्तिमा करना ये दुरुस्त नहीं है। और ऐसी जब ये इमामत कराएगी तो दरमियान में खड़े होकर इमामत कराए, आगे खड़े होकर इमामत कराना ये दुरुस्त नहीं। सही, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब की खिदमत में कैनेडा से सवाल है अब्दुस्समद साहब का, घर में कोई हाफिज़ कुरान ना हो तो तरावी किस तरह अदा करें? जी, तरावी अलग से एक सुन्नत मुअक्कदा है और उसमें कुरान का ख़त्म अलग से है जी, तो अगर हाफिज़ नहीं है तो मुख्तसर सूरत उसे भी तरावी पढ़ी जा सकती है, इसमें कोई ऐसी हरज वाली बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद समी साहब का इंडिया से जो सवाल है उसका जवाब इसी में हो गया है कि अकेले तरावी कैसे पढ़ें। तो राजा शकील साहब सऊदी अरब से, तहज्जुद के वक्त में इसाले सवाब के लिए नवाफिल पढ़े जाएं तो तहज्जुद में शामिल हैं या तहज्जुद के नवाफिल अलहदा से फिर पढ़ने? नहीं, आम नवाफिल का कायदा यह है कि एक ही नफल नमाज में मुतअद्दिद नियतें हो सकती है जी, तो जो नमाज़ तहज्जुद की है, तहज्जुद का मतलब उस वक़्त कोई भी नफली नमाज, तो उसमें अगर कोई और नियत है हाजत की, इस्तिग़फ़ार की, इसाले सवाब की, तो इससे उसके तहज्जुद होने की हैसियत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस पर तहज्जुद का पूरा पूरा सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमजा खान साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग वाली नमाज किसी हदीस से साबित है? क्योंकि हम तो इमाम इकराम से सुनते थे कि मम वसल सफ़न वसलहुल्लाह वनक़ता सफ़न क़त, इतनी सख्त ये हदीस सफ़ों की तरतीब के मुतालिक और साथ मिल के खड़े होने के मुतालिक, तो एकदम छः छः फिट का, तीन तीन फिट का फासला, ये कोई हदीस से साबित है ये चीज़ की? बस ये सवाल जब कायम होता, जब कोई ये कहता कि इस तरह फासला से नमाज पढ़ना ये बज़ात खुद एक बायस सवाब चीज़ है और बेहतर तरीक़ा ये है। ठीक है, तो फिर सवाल होता कि किस हदीस से साबित है कि ये इबादत का तरीक़ा है और बायस सवाब है और ज़्यादा बायस सवाब है। ठीक है, असल बात तो यहाँ मजबूरी और इस्तिस्नाई हालात की है, तो इस्तिस्नाई हालात का तस्करा किसी दलील में नहीं होता, वो आम जो उसूली कवायद है उसकी रूह से वो अहकाम तजवीज़ किए जाते हैं। तो शरीयत का एक अहम कायदा है कि मनिब तुलिया बि बलियतैन फलियख्तर अहवनहुमा, और दूसरा कायदा है ला ज़रर वला ज़िरार, और एक कायदा है युख्तार अहवनु शर्रैन। तो इन सब का तकाजा ये है कि नमाज में, मस्जिद में, सफ़ में मुत्तसिल खड़ा होना ये सुन्नत मुअक्कदा है, और आजकल जो सूरत हाल है जिसमें खौफ मरस बहरहाल पाई जाती है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जमात छोड़ने की इजाज़त फुकहा ने दी है जी, तो ये तो जमात के ज़ेली आदाब और अहकाम है, इसकी तो बतरीक़ अवला इस उज़र की वजह से इजाज़त हो गई, तो उज़र की वजह से जो चीज़ साबित होती है वो चूँकि मुस्तक़िल और दायमी हुक्म नहीं हुआ करता, इसलिए उसके लिए किसी ख़ास दलील की ज़रूरत नहीं होती, वो शरीयत का जो बुनियादी हिकमत और मकासद और फ़लसफ़ा और कवायद है उसी से वो चीज़ें अखज़ की जाती है, और ये भी इस कबील की एक चीज़ है। जी ठीक, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल मुफ्ती मोहम्मद वैस साहब की खिदमत लेकर जाएंगे। सवाल हमसे पूछा है फारूक साहब ने, मियाँ बीवी बाजमात नमाज पढ़ें तो इकामत रहना ज़रूरी है? या अगर घर में जमात के साथ नमाज पढ़ी जा रही है तो इकामत कहना ज़रूरी तो नहीं है, अलबत्त अफजल और बेहतर है कि इकामत कही जाए, लेकिन इकामत ये मर्द कहेगा ये औरत ना कहे। शुक्रिया। नाज़िया साहिब इंडिया से पूछती हैं, रोज़े की हालत में थूक बलगम या नाक का पानी चला जाए हलक में तो रोज़े का क्या हुक्म? जी, रोज़े की हालत में अगर थूक हलक से नीचे चल जाता है या बलगम चले जाता है तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। शुक्रिया। परवेज़ अंसारी साहब का सवाल है, वो भी इंडिया से पूछ रहे हैं कि रोज़े में वज़ू के दौरान हलक में पानी जाने का बहुत ज़्यादा खदशा हो तो क्या वज़ू के चार फ़राइज़ पे इक्तफा करके नमाज पढ़ी जा सकती है? देखें, वज़ू में कुली करना ये सुन्नत अमल है, चाहे इंसान का रोज़ा हो या ना हो जी, और आम तौर पर कुली करने से इस बात की नौबत नहीं आती कि पानी हल्क से नीचे चले जाए, इल्ला ये कि कोई गरारा कर रहा है
या बहुत ज़्यादा ज़ोर से पानी डाल रहे हैं तो इस बात का इम्कान हो जाता है कि भाई पानी हल्क से नीचे ना चले जाए, तो आमतौर पर होता नहीं है। लेकिन अगर किसी को वहम की बीमारी है या बार बार इस बात का वसवसा आता है तो वो कुली ना करे, बाकी चार फ़राइज़ अदा कर लें तो वज़ू हो जाता है, नमाज भी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल है अगला हमसे जो पूछा है मोहम्मद सुफियान मलिक साहब ने हिंदुस्तान से ही। अगर माँ 10 माह के बच्चे को दूध पिलाती हो तो क्या वो रोज़ा रख सकती है या नहीं? अब 10 माह की कैद का तो पता नहीं, उमूमी तौर पर वैसे ही बता दीजिए। देखिए, दूध पिलाने से रोज़े में फ़र्क नहीं आता। अलबत्त ये अलग मसला है कि अगर कोई खातून ऐसी है कि दूध पिलाती है और दूध पिलाने के नतीजे में उसको कमज़ोरी पैदा होने का अंदेशा है जी, या अगर वो दूध नहीं पिलाती, बच्चे के लिए कोई और ऐसा दूध मौजूद नहीं है कि वो बच्चा पी सके, तो इन दोनों सूरतों के अंदर औरत को इस बात की गुंजाइश है कि वो रोज़ा ना रखे, बाद में फिर वो कज़ा कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब की खिदमत में जाएंगे। अहद शाह साहब का एक सवाल है, वो सब क्या ऐसी कोई हदीस शरीफ है जिसमें कहा गया हो कि बारिश में या वबा में नमाज घर में पढ़ लो? क्योंकि इसी हदीस को बुनियाद बनाकर हर बंदा इस वक्त फतवा दे रहा है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं, चाहे वो एक आम आदमी है। तो ये हदीस है, अगर है तो इसका पस मंज़र क्या है और इन हालात में इस पर क्यास करना दुरुस्त? जी, बारिश के हवाले से तो हदीस है और सही हदीस है, मुस्तनद है, जिसमें ये बात है कि जब मदीना में बारिश हुआ करती थी तो हुजूर ये ऐलान करवा लिया करते थे कि अला सल्लु फिर रहाल जी, और इसकी वजह ये थी कि बारिश में आना बहुत हरज का बायस था, इसमें कपड़े भी गीले हो, रास्ते में फिसलन का भी ख़तरा हो, फिर अंधेरा भी अगर रात में है तो होता था, तो कई आज़ार थे जिसकी वजह से मजमूई कैफियत हरज की और तंगी की बन जाती थी। तो बजाय इसके कि उनको इस हालत में भी मजबूर किया जाता, उनको रुख्सत दी गई। बाकी जहाँ तक कियास की बात है तो कियास बिल्कुल वाज़े है और दुरुस्त है, इसलिए कि वहाँ एक हरज की वजह से जिसका असर इतना ज़्यादा है भी नहीं जी, और अगर है भी तो वक्ती तौर पर है, उसकी वजह से जब इजाज़त दी गई तो ऐसी बीमारी जिसका हरज बहुत ज़्यादा है, मोहलिक होने की हद तक है, फिर पूरा मुल्क जो है ना इसमें इस्तरारी कैफियत में जा सकता है, तो एक इनफरादी इस्तरार की बजाय जो है ना वो इज्तिमाई इस्तरार, और वो भी सिर्फ जानी इस्तरार नहीं, माली इस्तरार, अगर ये वबा फूट पड़ती है और बेकंट्रोल हो जाती है तो ये सब चीज़ें इसके साथ आलम असबाब का जो उसूल है उसके साथ बंधी हुई है जी। तो इसको बिल्कुल कियास किया जा सकता है और इस सूरत में जो रुख्सत दी जाएगी और दी जाती है तो वो दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। अगला सवाल है और वो हमसे पूछा है मेहताब अहमद साहब ने बटग्राम से, क्या बहरे और गूंगे पर नमाज मुआफ़ है और रोज़े का क्या होगा? जी, शरीयत के जो अहकाम है उनके लाजिम होने के लिए मुकल्लफ होने की जो सलाहियत है वो पाया जाना ज़रूरी है और काफ़ी है, और वो दो चीज़ें हैं, अक़ल और बुलूग, कि आदमी बालिग हो चुका हो और वो अक़लमंद हो, अक्ली खलल में मुबतला ना हो जी। तो ऐसा गूंगा और बहरा आदमी अगर अक़ल और बालिग है तो उसूली लिहाज से वो अहकाम का मुकल्लफ है। अलबत्ते अलग बात है कि उसको अहकाम समझाना ये बहुत मुश्किल होगा, और जब तक वो समझेगा नहीं तो वो फिर ज़ाहिर है कि उस हुक्म का मुकल्लफ़ अमलन नहीं रहेगा। तो इतनी इसमें रिलैक्सेशन है कि जिस हद तक उसको समझाया जा सके और वो समझ सके तो फिर उस पर लाजिम है कि शरीयत भी उतना अमल करे। जो चीज़ उसको समझाने और समझने उसके से बाहर है तो उस हद तक वो माजूर समझा जाएगा। जहाँ तक रोज़े की बात है तो रोज़े में कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसमें कोई इबादत अदा करना हो ज़बान से, तो रोज़ा की बुनियादी सलाहियत तो इसमें है। अलबत्ता रोज़े की फर्जियत अगर इसको नहीं समझाई जा सकी जी, क्योंकि इसमें जो समझने के आलात और ज़राए है वो मौजूद नहीं है, तो फिर वो एक औज़र होगा। लेकिन अगर कोई समझा दे इसको, जैसे कि इनकी अपनी ज़ुबान है और अपने उसमें तमाम चीज़ें अदा करते हैं, अगर उस तरीके से कोई समझाए इसको तो फिर इस पर लाजिम होगा, और अगर रोज़ा छोड़ेगा तो गुनाहगार भी होगा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती मोहम्मद उवैस साहब। अबू धाबी से सवाल है, मोहम्मद इलियास साहब पूछते हैं कि अगर किसी शख्स को 1 महीने बाद का चेक मिला लेकिन उसकी ज़कात की तारीख आज की हो तो वो चेक ज़कात में शामिल करेंगे? लेकिन ज़कात की तारीख आने से पहले या जिस दिन ज़कात की तारीख है चेक मिल जाता है, तो अगर वो ज़कात की रकम में उस अमाउंट को जो चेक के अंदर लिखी है शामिल करके ज़कात का हिसाब कर दे और ज़कात निकाल दे तो ये सही है। अलबत्ता ज़कात की अदायगी उसूली लिहाज उस वक्त वाजिब होगी कि जब ये चेक कैश हो जाए,
क्योंकि उससे पहले इस बात का इम्कान है कि वो अमाउंट इसको ना मिले या उसके अकाउंट के अंदर ही पैसे ना हो या कोई और वजह मिल जाए कि जिसकी वजह से ये पैसे लेने पर कादिर ना रहे, तो अदायगी जो उसूली लिहाज से चेक कैश होने के बाद है, लेकिन अगर उससे पहले वो शामिल करके ज़कात निकालना चाहे तो निकाल सकता है, ज़कात अदा हो जाएगी। सही, ये जो कर्ज़ का मामला होता है कि हमने किसी को पैसे कर्ज दिए हुए हैं, तो उस पर ज़कात का क्या मामला है कि हमें कहा, ये मेरे जहन में ये आ रहा है कि शायद ये मसला है कि चूँकि वापस मिलने की तो आपको तवक्को और उम्मीद है तो इसलिए आप पर ज़कात लाजम है जी, तो वहाँ उम्मीद पर फैसला हो रहा है, यहाँ भी तो उम्मीद, वहाँ पर भी यही बात है कि अगर उम्मीद है तो उस पर ज़कात होती है, लेकिन अदायगी का वाजिब है कि जब वो कर्ज़ मिल जाए। ओके सही, अगर उससे पहले वो निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, ज़कात हो जाए। जज़ाकअल्लाह खैर। अगला सवाल है और वो पूछा है हमसे सादिक साहब ने जद्दा से, जो कर्ज़ा 2-3 साल के बाद मिल जाए तो उसकी ज़कात, वो आ गया सवाल, उसकी ज़कात किस तरह अदा करेंगे? जी, उसकी ज़कात निकालने का तरीका ये है कि जो कुल अमाउंट है उसका 2.5% निकाल दें। अब जो दूसरे साल की जब ज़कात होगी, जो पहले ज़कात की जो रकम अलग की गई थी उसको शामिल नहीं करेंगे, बल्कि जो बाकी रकम है उसको लेकर उसके 2.5% निकालेंगे। मिसाल के तौर पर किसी के पास 5 लाख रुपये कर्ज के वो आ गए, तो 5 लाख का उसने हिसाब लगाया तो 2.5% बना 12,500 रुपये, तो उसने पहले साल की ज़कात की रकम 12,500 रुपये अलग कर दी। अब बाकी बच गए 4,87,500 रुपये। जब वो दूसरे साल के लिए ज़कात का हिसाब करेगा तो 5 लाख पर नहीं करेगा बल्कि 4,87,500 पर करेगा, तो इसी तरीके से फिर जो तीसरा साल है उसके अंदर भी ऐसा कर लें। बहुत शुक्रिया। सवाल है अगला और वो अबू असद साहब का है, पूछते हैं कि एक शख्स ने घर के लिए 40 लाख कर्ज लिया, फिर किसी शेख ने वो कर्ज ज़कात में अदा कर दिया, तो क्या ये दुरुस्त है? जी, जिसने कर्ज़ लिया है अगर ये साहिब निसाब नहीं है और ये जो कर्ज ज़कात की रकम से जो कर्ज़ अदा कर रहा है अगर इसके इजाज़त से कर रहा है तो फिर ये ज़कात अदा हो जाएगी। ठीक। बिनते उबैदुल्ला साहिबा इंडिया से पूछती हैं, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब से, ज़कात किस कीमत के मुताबिक देनी चाहिए? जिस कीमत में हम सुनार से सोना खरीदते हैं या जिस कीमत पर हम सुनार को वापस बेचते हैं? बस ज़कात हमेशा कीमत फ़रोख पर ही लगाई जाती है, ख्वाह सामान तजारत की हो ख्वाह कोई दूसरी चीज़ है जिसका आप ज़कात कीमत के हिसाब से अदा कर रहे हैं, तो इसकी फ़रोख्त की जो कीमत होगी इस जैसे सोने के इन इलाकों में तो उसी पर ज़कात लाजम है। नज़र अली साहब कराची से, अगर इमाम साहब को ज़कात दें तो उनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? जी, ज़कात देना लेना कोई गुनाह नहीं है जिसमें ऐसा सवाल कायम हो, और ज़कात की वजह से उस शख्स को मतलब ये कि महान भी और कमज़ोर भी नहीं समझना चाहिए, जिस डिग्रेड के जहन में कि जिसको ज़कात दी जाए तो उसकी इज़्ज़त कम हो जहन में, ये भी एक गलत तसव्वुर है। आप कौन होते हैं किसी को इस तरह समझने वाले? आपकी मिसाल तो सिर्फ़ एक डाकिया की है कि आपको अल्लाह ताला ने एक चीज़ दी है कि वहाँ पहुँचाओ, इसमें आपका अपना कमाल तो है नहीं। उसका ज़्यादा एहतराम है आपके लिए कि उसने आपका ज़िम्मा फारिग कर दिया और आपके लिए सवाब का ज़रिया बना, तो इसमें ऐसी कोई बात तो नहीं है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद साहब ऑस्ट्रेलिया से पूछते हैं, नमाज में 1/4 सदर खुल जाए तो नमाज नहीं होती, क्या इससे नाफ से घुटनों तक 1/4 मुराद? नहीं, ये तो पूरा सतर का एरिया है, पर इसमें अज़ा मुख्तलिफ है, मसलन एक रान एक अज़्वा है, घुटना दूसरा है, इस तरीके से दूसरा रान, तो जितने अज़ा है तो जिस अज़्वा पर कपड़ा है अगर उसका 1/4 हिस्सा या उससे ज़्यादा 3 बार तस्बीह के बकदर यानी जो दौरानिया है खुल जाए तो फिर नमाज फासिद होती है। तो हर अज़्वा का अलग अलग हिसाब होगा, जिसमें ये भी हो सकता है कि छोटे अज़्वा के थोड़े से हिस्से के ज़ाहिर होने पर नमाज फासिद हो और ज़रा बड़े अज़्वे के ज़्यादा हिस्से पर नमाज फासिद हो, तो ये फ़र्क भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती मोहम्मद उवैस साहब साहिब रसमल ख़ान से पूछती हैं, कुरान पाक के रमूज़ औकाफ के बारे में मुफ्ती साहब ने फरमाया था कि उनकी रियायत रखना फ़र्ज नहीं है, इसकी वजाहत फरमा दें कि अगर उनकी रियायत ना रखी जाए तो तिलावत के माने पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्या? रमूज़ वक़ाफ़ में से वो रमूज़ जिनका माना या जिनका मतलब ये बयान किया गया है कि उन पर वक़्फ़ करना ही लाजिम है, तो उसका माना ये होता है कि तजवीद के जो कवानीन हैं जो ज़ाबते हैं उनके मुताबिक वक़्फ़ करना वहाँ पर लाजिम है। अलबत्ता फ़िक़्ही लिहाज से उसका माना ये होता है कि वहाँ पर वक़्फ़ करना ये ज़्यादा बेहतर और अफजल है। अगर कोई वहाँ पर वक़्फ़ नहीं करता है, अगले वाली आयत को मिलाकर या अगले वाले हिस्से को मिलाकर पढ़ता है तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। अलबत्त अगर कोई जानबूझकर अगले वाले हिस्से को इस इरादे उस नियत से मिलाकर पढ़ता है कि माने में तब्दीली आ जाए, माना ख़राब हो जाए, फिर इस सूरत में ये अमल गुनाह होगा
और वहाँ पर वक़्फ़ करना, ये फिर फ़िक़्ही लिहाज से भी ज़रूरी होगा। जी ठीक, अगला सवाल है और वो उमर साहब शिकारपुर से पूछते हैं, मोहम्मद उमर साहब। मैंने सुना है कि रसूल और नबी में फ़र्क ये होता है कि नबी शहीद हो जाते हैं, रसूल शहीद नहीं होते। नहीं, ये फ़र्क तो दुरुस्त नहीं है। जो सही फ़र्क है वही है कि रसूल उसे कहते हैं कि जिसको अल्लाह ताला ने नई शरीयत देकर भेजा हो, या जिस उम्मत की तरफ उसको भेजा है उस उम्मत के लिए वो नई शरीयत हो, और नबी आम है कि जिसके ऊपर वही नाजिल हो तो उसको नबी कहा जाता है। तो सही फ़र्क ये है, ये फ़र्क नहीं। शुक्रिया। नेक लोगों को वसीला दुआ में दुरुस्त, या नेक लोगों का वसीला अगर दुआ में मांगा जाए या उनसे अपने ताल्लुक मोहब्बत का इजहार करके अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाए तो इसकी इजाज़त है। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब की खिदमत में वापस आएंगे। जो लोग सिगरेट वगैरह पीने के आदी होते हैं, उनका नशा छुड़ाने के लिए बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, उनके जिस्म पर एक चीज़ चिपकाई जाती है जिसकी ठंडक जिस्म में जाती है जिससे इनका नशा पूरा होता है, क्या रोज़े की हालत में ये चीज़ इस्तेमाल करना दुरुस्त है या नहीं? नीज नमाज और तरावी में जिस्म पर लगाना इस दौरान कैसा है? बस एक तो ये बात है कि ऐसी चीज़ें जो नशा या उसके करीब करीब कैफियत का बायस हो तो रोज़े में इसका इस्तेमाल बहुत ही नामुनासिब है, नमाज में तो उससे भी ज़्यादा, मतलब इबादत में नामुनासिब होने में तो कोई शक शुबे की बात नहीं है। अलबत्त जहाँ रोज़े के फासिद होने की बात है तो उसूल ये है कि जो मुनाफिज़ है यानी जो फितरी रास्ते अल्लाह ताला ने मैदे की तरफ बनाए हैं, अगर उसके ज़रिए से कोई चीज़ मैदे में पहुँचती है तो तब रोज़ा टूट जाता है। अगर कोई चीज़ मैदे में नहीं पहुँचती या पहुँचती है लेकिन दूसरे मसामात के ज़रिए से, तो उससे रोज़ा टूटने का हुक्म नहीं है। तो ये भी जब जिल्द पर यह चीज़ चिपकाई जाती है तो इसमें मसामात के ज़रिए ही इसका असर पहुंचता है, जो भी है वो मटेरियल किस्म का असर है या ऐसे मानवीय किस्म के असरात है, जो भी है बहरहाल, लेकिन वो मसामात के ज़रिए पहुंचते हैं। ठीक, तो इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है आदिल शहजाद साहब का सऊदी अरब से। मैंने सुना है कि मौजूदा वबा से जो लोग मर जाते हैं वो शहीद होते हैं, अगर ऐसा शख्स हुकूकुल इबाद में कोताही का मुर्तकिब हो तो उसके साथ आखरत में क्या मामला होगा, कोई इतला है? बस इतला ये है कि शहीद जो हकीकी शहीद हो, इन दुनियावी अहकाम के हवाले से भी और आखरत के अहकाम के हवाले से भी, जो अल्लाह के रास्ते में किसी काफिर के हाथ से फौरी तौर पर शहीद हो चुका हो, तो उसके लिए भी उसूल ये है कि हुकूकुल इबाद उसको शहादत के सिले में माफ़ नहीं की जाएगी, बल्कि उसके लिए अलग से प्रॉपर जो ज़ाबता है वही अदा करना होगा कि उसकी उसने वसीयत की हो और वो चीज़ें अदा की गई हो, कि आखिरत में अल्लाह ताला अपनी रहमत से उस शख्स को इतना कुछ दे दे जिसका हक़ ज़ाय हुआ था, कि वो अज़ ख़ुद जो है इसको माफ़ कर ले आखिरत में। तो वो भी इंसान ही के माफ़ करने से होगा, लेकिन उसका ज़रिया ये होगा कि इसकी तरफ से अदायगी अल्लाह ताला ही करेंगे उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का जो उसके वहम गुमान में भी ना हो, और वो आमादा हो जाएगा कि इसको माफ़ करें। तो जब हकीकी शहीद का ये हुक्म है तो ये तो मानवी और हुक्मी शहीद है, इसका तो बतरीक़ औला ये हुक्म है, तो इसके लिए भी यही होगा कि हुकूकुल इबाद इस शहादत से और इस नियामत पाने से ख़त्म नहीं होंगे, उसकी अदायगी ज़िम्मे में बरकरार रहेगी। ठीक है, शुक्रिया। अगला सवाल क़ारी अब्दुर्रहमान साहब का है। कोरोना वायरस की वजह से भाई लॉकडाउन है और बहुत सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, तो पहली शादी पर खैर वो कह रहे हैं कि दूसरी या तीसरी शादी का इरादा हो तो क्या दाढ़ी को काला रंग लगा सकते हैं, रिश्ते में आसानी चाहिए? बस इन्होंने इरादे का पूछा है ना, तो इरादे के लिए तो डिस्टेंसिंग नहीं चाहिए। 40 साल से अगर कम उम्र है तो ये कर सकते हैं, लेकिन अगर 40 साल से ज़्यादा है तो फिर नहीं कर सकते। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों मुआज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद थे हमारे साथ, आपके सवाल का जवाब दे रहे थे। आपके बहुत सारे सवाल अल्हम्दुलिल्लाह जी प्रोग्राम में शामिल हुए, कल जो आपकी खिदमत में प्रोग्राम आएगा उसमें आपके वो सवाल शामिल किए जाएंगे जो आज आपने भेजे हैं हमें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला हमें आफ़ियत से रखे, हम दुआ करेंगे सब मिलकर कि ये जो एक आजमाइश का वक्त है, वबा का वक्त है, अल्लाह ताला जल्द हमें इससे निजात अता फरमाए। निजात ऐसे ही होगी कि जैसे कि जब हम एहतियात करेंगे और एहतियाती पहलुओं को एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे और अपनी ख्वाहिश से ज़्यादा हालात के तकाज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, वो हालात के वो तकाज़े जो उलमाए कराम ने हमें बताए हैं, जो तिब्बी अमले ने हमें बताए हैं, और इस तरह से दूर दूर बैठेंगे जैसे हम यहाँ प्रोग्राम में दूर दूर बैठे। तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शरीक रहने के लिए, कल आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।